एक बात बराबर रूप से आप समझ लेना, शरीर का चेकिंग आज का मेडिकल साइंस यह कहता है कि हर 3 महीने में रिपोर्ट निकालना है। आपने एक सूत्र बना करके रखा है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी आवे बाद में उसका उपचार हो, उससे पहले हम जागृत रहे हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छा है। और इसीलिए आज के लोगों की यह मेंटालिटी है, आज के लोग यह मानते हैं दर्द 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में बॉडी का मेडिकल रिपोर्ट होना हो जाना चाहिए कि क्या चल रहा है बॉडी के भीतर। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि यदि बॉडी का रिपोर्ट हर 3 महीने में जरूरी है तो मन का रिपोर्ट हर 3 घंटे में जरूरी। बॉडी 3 महीने में बिगड़ सकती है, मन 3 क्षण में बिगड़ सकता है, मन 3 सेकंड में बिगड़ सकता है, मन 3 घंटे में बिगड़ सकता है, मन 3 मिनट में बिगड़ सकता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, यदि बॉडी का रिपोर्ट हर 3 महीने पे चाहिए तो मन का रिपोर्ट हर 3 घंटे पर चाहिए। चेक करते रहो, यदि हमें बचना है तो चेक करते रहना पड़े। जितना चेक करते रहेंगे, जितना अपने आप की जांच करते रहेंगे, जितना अपने आप को देखते रहेंगे, तभी हमारे लिए बचना संभव है, वरना बचना नामुमकिन हो जाएगा। बचना है तो चेक करते रहना। संसार का हर व्यापारी जब मार्च एंडिंग आता है, जब फाइनेंशियल ईयर उसका खत्म होता है, तो एक बार बैठ के चेक जरूर कर लेता है कि मुनाफा हुआ या घाटा हुआ। चेक करते हो कि नहीं करते? हर साल शायद कोई कोई तो ऐसे होगे जो हर महीने मिलान कर लेते हो, इस महीने मुनाफा या घाटा। कोई कोई ऐसे भी होगे जो हर दिन मिलान कर लेते हो कि आज के दिन में इतनी आइटम सेल हुई, मुनाफा कितना हुआ, घाटा कितना हुआ। व्यापार में चेक किया जाता है, क्योंकि आपको पता है आप व्यापार करते जाओ करते जाओ करते जाओ और 10 साल तक चेक ना करो, और 10 साल बाद सीधा चेक करो, सच कहना क्या मिलेगा, घाटा मिलेगा कि मुनाफा मिलेगा? घाटा। व्यापार के क्षेत्र में चेक करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चेक नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता हमें कहां कट करना है, हमें कहां पैसे बचाने हैं, हमें कहां फिजूल खर्ची बचानी है, किस तरह से हम पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि अंततः आपको मुनाफा। स्कूल में कोई स्टूडेंट कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, पहले का एक समय ऐसा था जब शायद एक एग्जाम 3 महीने में होती थी, दूसरी एग्जाम 6 महीने में होती थी और ईयरली एग्जाम 1 साल में होती थी। आज आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप सभी को पता है हर हफ्ते एक टेस्ट होता है, हर 15 दिन में कोई ओरल एग्जाम होती है, हर महीने कोई ना कोई एग्जाम चलती रहती है। आप जिस जिसके बच्चे पढ़ते हैं उसको पता है हर हफ्ते उसका ओरल टेस्ट किया जाता है, कभी लिखित कभी मौखिक, क्योंकि टीचर्स जानना चाहते हैं कि बच्चा कहाँ चल रहा है। चाहे व्यापार हो वहां बार बार चेक किया जाता है, चाहे अभ्यास हो वहां पर भी बार बार चेक किया जाता है, क्योंकि बचना है तो हमें चेक करना होगा। और मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, हम व्यापार को चेक करते हैं, अभ्यास को चेक करते हैं, सेल्फ को कितना चेक करते हैं, खुद को कितना चेक करते हैं? आज के लोगों को देखकर तो मुझे यह कहने का मन होता है कि सच कहना आपको सेल्फी में इंटरेस्ट ज्यादा या सेल्फ में इंटरेस्ट ज्यादा? एक बार सेल्फी निकालने के बाद में भी हम 4 बार चेक करते हैं कि पिक्चर बराबर आया या नहीं आया। एक सेल्फी से आज के यंगस्टर्स को आज के लोगों को संतुष्टि नहीं होती, सोचते कहां पैसे लग रहे, 4 फोटो निकाल लो, एकाध तो कोई अच्छा आ जाएगा, एकाध अच्छा निकल जाएगा। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आपको सेल्फी में इतना इंटरेस्ट है, जो फोटो शायद आपके डीपी में लग सकती है 2-4-5 दिन 10 दिन के लिए, उसके बाद में वो फोटो आपकी बेकार हो जाती है, शायद आपके फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में लग सकती है 1-2 महीने के लिए, शायद आपके इंस्टाग्राम पे अपलोड हो सकती है, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सेल्फी में हमारा इतना इंटरेस्ट है, सेल्फ में हमारा इंटरेस्ट कितना? सेल्फी के लिए हम तैयार होते हैं, कैमरा अच्छा हो, आपको पता है
पहले के समय में शायद मुझे आज के लोगों को देख करके लगता है कि पहले के समय में ऐसा था कि लोग मोबाइल फोन करने के लिए लेते थे और आज के समय में लोग मोबाइल फोटो निकालने के लिए लेते हैं। पहले चेक करते हैं फ्रंट कैमरा कैसा है, बैक कैमरा कैसा है, सेल्फी कैसी आएगी, पिक्चर कैसा निकलेगा, उसके बाद में 10 लोगों से रिव्यू लेकर के बाकी कुछ अच्छा हो ना हो कैमरा अच्छा होना चाहिए, फोटो अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आज के इंसान की फितरत है वो अच्छा बनना नहीं चाहता लेकिन अच्छा दिखना जरूर चाहता है। आज के इंसान की ये फितरत है, अच्छा बनने की कोई कोशिश नहीं करता, अच्छा बनने की कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन अच्छा दिखने के लिए हमारी बहनें घंटों घंटों ब्यूटी पार्लर में बैठती है कि दिखना अच्छा चाहिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, समझ लेना, सेल्फी में इतना इंटरेस्ट हमारा है, सेल्फ में हमारा इंटरेस्ट कितना? जो सेल्फी शायद थोड़े दिन, थोड़े घंटे, थोड़े समय हमारे काम आ सकती है, यदि सेल्फ में इंटरेस्ट बना लिया, जीवन सवर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि सेल्फ को चेक करना है, तीन चीजें हमेशा चेक करते रहे, इससे आप सेल्फ को चेक कर पाओगे। सेल्फी को चेक करने के लिए आपके पास मोबाइल है और सेल्फ को चेक करने के लिए ये तीन सूत्र, इससे आपको पता चलेगा कि जीवन कहां जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला सूत्र, क्या किया मैंने इतने साल में, किया क्या? मेरी उम्र 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, 75 हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने किया क्या? क्या किया मैंने? समय को बर्बाद किया, शक्ति को बर्बाद किया, शरीर को बर्बाद किया, संबंधों को बर्बाद किया, हर चीज में माइनस करते गया, हर चीज में लॉस करते गया, मैंने किया क्या? सेल्फ को चेक करने के तीन रास्ते, पहला क्वेश्चन, अपने आप से क्या किया? इतने साल आपके बीत गए, किसी के 20 है तो किसी के 90 है, दोनों सभी उम्र के लोग यहां पे बैठे हुए हैं, और मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछना, क्या किया? सेल्फ को चेक करना बहुत जरूरी है, सेल्फी को बहुत चेक किया, सेल्फ को चेक करने का यह अवसर है। हमने किया क्या? संपत्ति बर्बाद करते चले गए, समय को बर्बाद करते चले गए, संबंधों को बर्बाद करते चले गए, शक्ति को बर्बाद करते चले गए, हमारे शरीर को हमने खत्म कर डाला, सब चीज को बर्बाद करते चले गए। पहला सवाल सेल्फ चेकिंग के लिए, पहला सवाल क्या किया? दूसरा सवाल, क्या मिला? इतनी भाग दौड़, इतनी समय की बर्बादी, इतनी शरीर की बर्बादी, इतनी शक्ति की बर्बादी करके मुझे मिला क्या? क्या है आपके पास? मैं इसीलिए कई बार आपको कहता हूं कि आपके जीवन की जो भी उपलब्धि है, एक चीज ऐसी बताओ जो रोग और मौत के समय में आपके काम आ जाए, एक चीज तो बता दो मुझे, चाहे रोग आवे जीवन में, चाहे मौत आवे उस समय में काम आ जाए, ऐसी कौन सी उपलब्धि आपके जीवन में? और इसलिए दूसरा सवाल, अपने आप से क्या मिला? इतनी भाग दौड़ करके अंततः प्राप्त क्या किया? जीवन में शांति नहीं, जीवन में समाधि नहीं, मृत्यु के बाद सदगति की कोई गारंटी नहीं, क्या जीवन है हमारा? क्या मिला, क्या प्राप्त किया हमने? अपने आप से सवाल दोहरा लेना, अपने आप से सवाल पूछ लेना कि मेरे इतना कुछ किया, जीवन को इतना बिताया, जीवन के इतने घंटे, इतने महीने, इतने दशक, इतने साल मैंने बर्बाद कर लिए, लेकिन इतना कुछ करके मुझे मिला क्या? पहला सवाल, क्या किया? दूसरा सवाल, क्या मिला? और तीसरा सवाल, क्या बना? मैं क्या बना? इतने साल की मेहनत के बाद मैं क्या बन पाया? मैं क्या संत बन पाया? अरे संत की बात छोड़ो, मैं क्या शांत बन पाया? अरे शांत की बात छोड़ो, मैं क्या सज्जन बन पाया? अरे सज्जन की बात छोड़ो, मैं क्या श्रावक बन पाया? अपने आप से सवाल कर लेना कि इतना कुछ करने के बाद मैं क्या बना?
मेरे जीवन को मैंने कहां पहुंचाया, मेरे जीवन को मैं किस ओर ले गया, मेरे जीवन को मैं किस ओर पहुंचा पाया। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं समझ लेना, तीन सवाल सेल्फ चेकिंग के लिए हमेशा खुद से पूछते रहे। सबसे पहला सवाल, क्या किया इतने साल, मैंने किया क्या, क्या मिला इतने साल, ये सब करके मुझे मिला क्या, कहां है शांति, कहां है भीतर का एक आनंद। और तीसरा सवाल, क्या बना। मैं तो कई बार कहता हूं कि समझ लेना, संसार में आके आप सज्जन न बन सको कोई बात नहीं, श्रावक न बन सको कोई बात नहीं, संत न बन सको कोई बात नहीं, ऋषि मुनि महर्षि न बन सको कोई बात नहीं, सच्चे इंसान बन जाना तो भी संसार आपका तिर जाएगा। हम इंसान नहीं बन पाते। आज के आदमी को जब देखते हैं, उसकी फितरत को जब देखते हैं, उसके मानसिकता को जब देखते हैं, उसके विचारों को जब देखते हैं, उसके क्रियाओं को जब देखते हैं, तो महसूस होता है कि इंसान भी आज का आदमी नहीं बन पाया। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, मैं क्या बना, अपने आप से सवाल कर लेना, क्या बनने के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला था, मैं क्या बन गया। किसी के साथ धोखा, किसी के साथ झूठ, किसी के साथ फरेब, किसी को बनाना, किसी का लूट लेना, किसी का खा लेना, किसी के साथ अनीति करना, किसी का विश्वासघात करना, किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी का वचन भंग कर देना, किसी को कुछ गलत बोल देना, किसी को कुछ हर्ट कर देना, यही सब करते रहे हम। और ये सब करके हमें मिला क्या, कुछ नहीं मिला। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जीवन में देख लेना अपने आप को कि सेल्फी में इंटरेस्ट ज्यादा है या सेल्फ में इंटरेस्ट ज्यादा है। सेल्फी का इंटरेस्ट कोई काम नहीं आएगा, लेकिन सेल्फ का इंटरेस्ट आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, जीवन में चेक करते रहो। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप धर्मी हो, चाहे आप संत हो, चाहे आप श्रावक हो, कोई भी हो, चेक करना बड़ा जरूरी है। यदि चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम कहां आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में चेक करते रहे कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।